Hello, welcome guys to Easy Math with RK. Today we are going to talk about one of the very important process that is involved in the cancer is metastasis. So, आज हम metastasis के बारे में बात करेंगे. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैंसर क्या है, कैंसर कैसे होता है, कैंसर के कारण क्या हैं, इसके बारे में हमने बात की थी. बात की थी हमने ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, लेकिन वो कैंसर स्प्रेड कैसे होता है. आखिर अक्सर हमने सुना है कि कैंसर अगर लंग्स कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर भी उससे हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर है तो उससे लीवर कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इसका स्प्रेड कैसे होता है. तो उसी स्प्रेड को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, हिंदी में उसको रूप परिवर्तन कहते हैं. तो ये मेटास्टेसिस क्या है. सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मेटास्टेसिस, लाइक द डिफिनेशन ऑफ मेटास्टेसिस, द मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेसिस, द साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस एंड फाइनली द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो टू. सो लेट्स डिफाइन द मेटास्टेसिस. तो मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कैंसर from one part of body to the another part of the body, like from the affected area, from the affected zone of body to the normal and the healthy area of the body. लेकिन metastasis जो है, कोई भी tumor का जो metastasis जो होता है, mostly जो tumor होते हैं उनमें metastasis होता ही होता है, क्योंकि metastasis ही cancer के कारण जो मौत होने का जो reason है वो है metastasis. यहाँ पे ये केस होती है कि कुछ कैंसर जो ऐसे भी होते हैं जो कैंसरस फॉर्म हमारी बॉडी में होते हैं, बट फिर भी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज़्यादा होती है. लेकिन अगर वही कैंसर, अगर मेटास्टेसिस उस कैंसर में प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एक अफेक्टेड एरिया से दूसरे नॉर्मल हेल्दी एरिया को भी डैमेज करने लगता है, और ये कारण होती है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की. हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और हम छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं फाइट कर पाते हैं. तो मेटास्टेसिस से पहले भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो कि अगर डॉक्टर इनिशियली डायग्नोस कर ले तो हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं. एक स्टेज होता है मेटास्टेसिस और कैंसरस ट्यूमर का, क्योंकि देखिए जो प्राइमरी जो ट्यूमर होता है उसको हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं. प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी डायग्नोसिस बिकॉज दिस ट्यूमर इज अ वेरी स्मॉल बिकॉज ए कैंसरस ट्यूमर even like a single cell it can leads to the formation of the cancer. तो वो जो एक stage होता है जिसको हम कहते हैं unknown origin of this cancer, ये जो होता है ये just metastasis के एक stage पहले होता है. लेकिन इसका diagnosis कब हम कर पाते हैं, ये action में कब आता है. जैसे कि मान लीजिए कि अगर cancer है हमारे लंग्स में, अगर कैंसर है तो लंग्स में कैंसर है तो लंग्स से जो भी रिलेटेड जो लिम्फ नोड्स होंगे उनमें इन्फ्लामेशन होगी. अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो इनका इन्फ्लामेशन हमारे एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है इनमें इन्फ्लामेशन होती है और एक साइन देते हैं, स्वेलिंग होगा और एक साइन देते हैं कि देर इज अ कैंसर एंड दिस कैन लीड्स टू द मेटास्टेसिस. सो वी कैन चेक एंड वी कैन डू आवर फिजिकल एग्जामिनेशन और लाइक मेडिकल इमेजिन लाइक सिटी स्कैन. All these things I will talk within few minutes. So now we will talk about the mechanism of the cancer, mechanism of this metastasis. तो ये metastasis का mechanism क्या होता है, चूंकि ये बहुत ही important process है जो कि cancer में involve होता है और इसके कारण हर साल लाखों लोग मरते हैं. So just we'll go through the mechanism. See, first this primary tumor is remains untreated without any diagnosis, any prevention. जैसे कि अगर primary tumor हमारे किसी भी organ में है, किसी भी organelle में है, अगर हमारे ये primary tumor, तो ये क्या होता है primary tumor कि इसमें vascularization होती है. अगर मान लीजिए कि ये tumor present है हमारे chest पे present है, in the case of breast cancer, if this tumor present in the breast and the without any diagnosis, without any treatment, this tumor can go through a process that is called the vascularization.
एक प्राइमरी ट्यूमर विदाउट अगर किसी बिना ट्रीटमेंट करे है तो उसमें वास्कुलराइजेशन होती है। वास्कुलराइजेशन की मतलब का मतलब ये है कि वो ट्यूमर अपने खुद के लिए एक नई आर्टरी बना लेता है, जिसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वेसल्स बाई ए ट्यूमर सेल इज कॉल्ड द एंजियोजेनेसिस। तो ये एंजियोजेनेसिस करके अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं। देन द थर्ड प्रोसेस इज डिटैचमेंट। ये जो जो ट्यूमर सेल है, वास्कुलराइजेशन के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट में कुछ पार्ट जो ट्यूमर के हैं वो डी अटैच होके और नियर बाय जो नज़दीक वाले जो वेसल्स होते हैं उनमें इनका अटैचमेंट होता है, उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद इस ट्यूमर का प्रेशर हमारे ये वेसल्स पे पड़ती है और इनका इंट्रावेसेशन होता है। दैट मीन्स दिस डिटैच ट्यूमर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वेसल्स एंड दैट्स लीड्स टू द इंट्रावेसेशन। ये हमारे वेसल्स के अंदर इंटर कर जाते हैं। वेसल्स के अंदर इंटर करने के बाद एक और स्टेज होता है जिसमें हमारे वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लो में होते हैं। हमेशा हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होंगे और इनका फ्लो होता रहेगा। फाइनली ये क्या करते हैं, हमारे इंडोथीलियल सेल पे अटैच हो जाते हैं अगेन। उसको हम एडेशन बोलते हैं। एडेशन के प्रोसेस के माध्यम से ये अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद फाइनली प्रोसेस होता है इसका एक्स्ट्रावेजेशन। दैट मीन्स इट विल पियर्स दिस वेसल्स एंड कम आउटसाइड इन द नॉर्मल एंड हेल्दी एरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारे लीवर में कैंसर है, लीवर के नियर बाय जो आर्टरीज होंगी उनमें इनका इंट्रावेसेशन होगा और ये एक्स्ट्रावेसेशन करके हमारे लंग्स के कैंसर को कर सकते हैं। लंग्स कैंसर के लिए भी ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अगर लीवर का हो तो लंग्स को कर सकता है, लंग्स का हो तो ब्रेस्ट को भी कर सकता है, ब्रेस्ट का हो तो लंग्स को कर सकता है। जो कि नियर बाय ऑर्गन जो भी होते हैं ये मेटास्टेसिस करके इसी प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये माइग्रेट करते हैं और अफेक्टेड एरिया से नॉर्मल हेल्दी एरिया को अफेक्ट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ दिस मेटास्टेसिस। नाउ आई विल टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? इनिशियली प्राइमरी स्टेज में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इनिशियली जो प्राइमरी ट्यूमर होते हैं, एक सिंगल सेल भी एक ट्यूमर बन के और वो कैंसरस हो सकता है। तो प्राइमरी स्टेज में हम डायग्नोसिस इसका नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये ट्यूमर बिना ट्रीटमेंट के अगर रहा तो ये सेकेंडरी ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बाई फॉलोइंग दिस मेटास्टेसिस एंड दिस सेकेंडरी ट्यूमर कैन शो सम सिम्टम्स लाइक एडिनोपैथी, लाइक इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। तो ये जो सिम्टम्स हैं स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सिम्टम स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोकलाइज होते हैं, कुछ सिस्टेमिक होते हैं। तो जैसे कि अगर ब्रेन में कैंसर होगा, अगर ब्रेन में ट्यूमर का प्रोडक्शन होगा, डायरेक्ट हम कैंसर नहीं कह सकते हैं, अगर ब्रेन में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो ये ट्यूमर हेडक करा सकता है, सीजर करा सकता है, वर्टिगो इसके चलते इसके कारण हो सकता है। हेडेक हमें पता है, सीजर हमारे ब्रेन की वो कंडीशन होती है जो कि डिसएरिथमिक कंडीशन ऑफ ब्रेन होती है, जहाँ पे हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग अप्रोप्रियोट अमाउंट में नहीं हो पाती है, तो ये सीजर कहलाता है। अगर ये सीजर कंटिन्यूअस होता रहा, इफ दिस सीजर परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट कैन लीड टू द एपिलेप्सी एंड वर्टिगो। इन द केस ऑफ द लंग कैंसर इट्स हैविंग सम सिम्टम्स लाइक कफ, हेमोप्टाइसिस। हमारे स्पूटम में, हमारे कप में अगर ब्लड आए तो ये एक सिम्टम्स होता है हमारे लंग कैंसर का। डिसिपनिया, दैट मीन्स अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो ये एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर ये हेमोप्टाइसिस हो, कफ हो, डिसिपनिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिविजुअल कैंसर से ग्रसित है। दैट इंडिविजुअल हैविंग कैंसर, इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज वी कैन गो थ्रू अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज दिस सिम्टम्स आल्सो सीन इन सम डिजीजेज लाइक निमोनिया,
influenza or many more diseases. So we cannot say it's like a cancer, but this symptom can also be shown in the case of cancer. Now the third is the liver cancer. In the liver cancer, hepatomegaly, that means the enlargement of the liver, and jaundice, and the jaundice. The last is the skeletal. Like if there is a persisting pain in the bone, if there is a fracture in the bone or a spinal compression, it's so like there is a tumor in our bone, there is a tumor in our spinal cord. So we can recognize by these symptoms. Now I will talk about the diagnosis. So इसका हम diagnosis कैसे कर सकते हैं, इस metastasis का और इस cancer का diagnosis कैसे कर सकते हैं? तो पहला process है हमारा histological. Histological process में that means कि we can examine some cells and we can do muscle biopsy for checking like any abnormality, like how the cell is going, differentiation, the proliferation. So we can check CT scan, we can check from this CT scan. हम CT scan से check कर सकते हैं, क्योंकि CT scan एक medical image देती है. अगर हम CT scan मान लीजिए कि अगर किसी को chest cancer है, तो हम CT scan करके हमारे doctor diagnose कर सकते हैं कि इसमें abnormality है. MRI हो गया, magnetic resonance image, we can check with the help of MRI, we can check with the help of ultrasound, and we can check with the help of the mammogram. Mammogram we can use in the breast cancer because it give a medical image for the mammary gland. So mammogram se hum mammary gland yani ki breast cancer को हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स इसको डायग्नोसिस कर देख सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. सो वी कैन ट्रीट दिस कैंसर बाय फॉलोइंग दिस मेजर्स लाइक केमोथेरेपी, वी कैन यूज मेडिसिन. हम मेडिसिन का यूज करके एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन लाइक बहुत सारे मेडिसिन का यूज करके और एक लंबे पीरियड तक यूज़ करके हम इसको रोक सकते हैं, कुछ हद तक इसका केयर कर सकते हैं. रेडिएशन थेरेपी बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट को या रेज को लाइक अल्फा रेज और गामा रेज, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके हम जो ट्यूमर होंगे उसको हम तोड़ सकते हैं, ट्यूमर को डिग्रेडेट कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ दिस रेडियोथेरेपी आल्सो. सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं कि अगर इनिशियली ये तो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, बट सर्जरी हम करके डायरेक्ट उस ट्यूमर को, उस ट्यूमर का पूरा अगर हम उस ट्यूमर को काट के निकाल दें, तो वी कैन प्रिवेंट फॉर दिस मेटास्टेसिस एंड द हार्मोन थेरेपी. नाउ आई विल गो थ्रू ए क्विक रिव्यू ऑफ दिस. सो द डिफिनेशन like it is the spread of cancer from one part of body to the another part of the body. Mechanism जैसे कि हमने mechanism में देखा कि primary जो tumor होता है वो primary tumor में vascularization होता है. दूसरे step में चूंकि वो tumor एक vascular bed बना लेते हैं अपने आप को nutrition provide करने के लिए, फिर इनका detachment होता है, detach होके और ये इंट्रावेसिसन कराता है, वेसल्स को पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, हमारे लिम्फ में चला जाता है, और वो लिम्फ में और ये ब्लड सर्कुलेशन में आके इनका अगेन एडेशन करके हमारे एंडोथेलियल सेल्स पे, और इनका अगेन एक्स्ट्रावेसिसन होता है, एक्स्ट्रावेसिसन करके ये हमारे ब्लड वेसल से बाहर निकल के और नॉर्मल हेल्दी एरिया में जाके इसको अफेक्ट कर सकते हैं. हमने बात की साइन एंड सिम्टम्स की, तो ये स्पेसिफिक है. अगर ब्रेन कैंसर होगा तो उसके लिए अलग साइन एंड सिम्टम्स होगा, लंग्स कैंसर होगा तो उसके लिए अलग साइन एंड सिम्टम्स होगा, लीवर कैंसर और स्केलेटल कैंसर के लिए. डायग्नोसिस में हम हिस्टोलॉजिकल यूज कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राम. ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी एंड हार्मोन. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटास्टेसिस. So if you like my video, please share and comment to my video. Best of luck.